यूपी विधायक रमेश जायसवाल की अध्यक्षता में खोड़ मंडल में कामकाजी बैठक का हुआ समापन। आगामी कुछ ही महीना में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके चलते सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। साथ ही अब कार्यकर्ता स्तर पर भी चुनाव की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। इन्हीं चुनावी तैयारियों में एक कदम आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऊर्जावान कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करने के लिए वरिष्ठ नेताओं के निर्देशन में कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाना प्रारंभ कर दी है। इसी रूपरेखा के चलते आज खोड़ मंडल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के समक्ष यूपी से मुगलसराय विधायक रमेश जायसवाल की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी की कामकाजी मीटिंग का आयोजन किया गया। विधायक रमेश जायसवाल ने जहां कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करने का आह्वान किया, तो वहीं कुछ सूत्र एवं उदाहरण देते हुए इस चुनावी जंग को लड़ने को तैयार रहने को कहा। इसी दौरान कार्यकर्ताओं के द्वारा भी अपनी अपनी बात रखते हुए कुछ बिंदुओं पर वरिष्ठ नेताओं का ध्यान आकर्षित किया। यूपी विधायक रमेश जायसवाल, भाजपा जिला उपाध्यक्ष नवाब सिंह कुशवाहा, शिवपुरी नगर मंडल महामंत्री गिरिराज शर्मा, महाराज साहब के कार्यालय से राजेंद्र शिवहरे एवं कप्तान यादव व खोड़ भाजपा मंडल अध्यक्ष किरण सिंह लोधी, पूर्व मंडल अध्यक्ष दादा जगदीश सिंह यादव, सभी मोर्चा मंडलों के मंडल अध्यक्ष महामंत्री भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। खोड़ से आबिद बख्श की रिपोर्ट।